आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। दयाल सिंह कॉलेज के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा को आज बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जब उन्हें देश के विख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर का साथ मिला। आज कुलदीप नैयर की अध्यक्षता में कई कॉलेज के डीन और दीनदयाल कॉलेज के पूर्व स्टाफ का साथ मिला। इस मीटिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सरदार जसपाल सिंह और पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट त्रिलोचन सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सभी सम्मानित हस्तियों ने सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें कॉलेज का नाम किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाएगा और आने वाले समय में इस मुहिम की अध्यक्षता कुलदीप नैयर करेंगे। आइए सुनते हैं कुलदीप नैयर और मनजिंदर सिंह सिरसा को। और ये सवाल जो है, जिन्होंने इसे वंदे मातरम से मिलाने की कोशिश की है, वो इसलिए कर रहे हैं कि इसको कोई कम्युनल रंग दिया जाए। हम कम्युनल रंग ये कोई नहीं, दयाल सिंह ऐसा है अपने, लेकिन वैसे भी हमने चाहते, हम कहते हैं कि दयाल सिंह कॉलेज का नाम जो है ये बिल्कुल दयाल सिंह कॉलेज रहना चाहिए। और वो वंदे मातरम वगैरह, वो वंदे मातरम तो हम सब वंदे मातरम ही हैं, अपने जेलों से काट के आए हैं, तो इसमें कोई नहीं। सिर्फ दयाल सिंह कॉलेज की हम बात कर रहे हैं और ये जो नाम है ये नहीं बदलना चाहिए, यही रहना चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त है। बस ठीक है, ठीक है। आज एक मीटिंग श्री कुलदीप नैयर जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की थी, जिस दे अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि दयाल सिंह कॉलेज का नाम दयाल सिंह कॉलेज ही रहेगा और कंप्लीट 12 एकड़ के अंदर जो कॉलेज है उसका नाम दयाल सिंह तो बदल के नहीं कोई और किया जा सकता। साड़ा एक लाइन का एजेंडा है, असी दयाल सिंह कॉलेज के नाम नू बदलन दे अगेंस्ट हाँ, दूजे किसी नाम के अगेंस्ट नहीं। असी इस करके अज श्री कुलदीप नैयर जी ने यह डिसीजन लिया नाल कि वो सरकार के स्टेक होल्डरस ना गल करनगे, सरकार ना गलबात खुद करनगे और अगली कार्रवाई तक कोई भी किसी भी तरीके की बयानबाजी या किसी तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करेगा। देश के लोगों के वास्ते, सारे के वास्ते वंदे मातरम बहुत सत्कारित आ और इस करके कोई भी इसकी विरोधता नहीं कर रहा, ऐसा संदेश बाहर देने की कोशिश की जा रही है कि लोग यदि विरोधता कर रहे हैं जो कि सच्चाई तो बहुत परे आ। इस करके कुलदीप नैयर जी ने डिसीजन लिया कि वह खुद सरकार ना गलबात करेंगे और अगले किसी भी कदम चुकन तो पहला वो खुद डिसाइड करेंगे अगला कदम की होगा। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।